प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। होम बायर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना घर का पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बिल्डर फिट आउट पोजीशन ऑफर करे तो ध्यान रखें, इस तरह का पोजीशन घर में रहने के लिए नहीं होता है। साथ ही किसी तरीके की क्लैमिटी यानी आग लगने जैसी दुर्घटना होने पर आपको होम इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाता है। साफ है कि बिना ओसी और सीसी के आप कानूनन घर के मालिक नहीं होते हैं, लिहाजा आपको क्या सावधानियां बरतनी है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कि अगर आप अपना आशियाना तलाश रहे हैं तो सस्ता घर आपको कैसे मिल सकता है। फ्लैट या बिल्डिंग में आग लगने की दशा में अगर आपके पास ओसी और सीसी नहीं है तो आपका होम इंश्योरेंस भी रिजेक्ट हो जाता है। लिहाजा इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि बिल्डिंग में सेफ्टी इंतजाम को अथॉरिटी और संबंधित विभाग की ओर से हरी झंडी मिल गई हो। साफ है कि नॉर्म्स पूरा करने के साथ ही बिल्डर को ओसी और सीसी जारी की जाती है, लेकिन बिना इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लोग घरों में पोजीशन ले लेते हैं और रहना भी शुरू कर देते हैं, जो पूरी तरह से जोखिम भरा होता है। आग तो कहीं भी लग सकती है, पर हाल ही में सोसाइटीज में आग लगने की कई घटनाएं भी सामने आई, लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि सोसाइटी में आग बुझाने के लिए भरपूर इंतजाम है या नहीं। ये सभी इंतजाम प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले कंप्लीट करने जरूरी होते हैं, जिन्हें जांचने के बाद ही संबंधित अथॉरिटी प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट यानी सीसी देती है। अब जिन प्रोजेक्ट को हाल ही में पोजीशन मिला हो और वहाँ पर आग लगने की घटना होने पर उसे कंट्रोल करने के लिए उपाय न हो तो फिर बिल्डर और अथॉरिटी की मिलीभगत का शक गहरा जाता है। दरअसल सीसी मिलने का मतलब ही यही है कि तमाम बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर लिया गया है और सीसी यानी अथॉरिटी ने इन सुविधाओं की मौजूदगी पर मोहर लगा दी है। सीसी ये प्रमाणित करती है कि जो मूलभूत सुविधाएं रहने और सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक है उन्हें डेवलपर ने मुहैया करा दिया है। आग लगने की दशा में होम इंश्योरेंस का आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब अगर सीसी हासिल कर चुके प्रोजेक्ट में ये हालत है तो फिर सोचिए, जहाँ पर सीसी नहीं मिला है और लोगों ने रहना शुरू कर दिया है वहाँ पर हालात कैसे होंगे और भविष्य में किस तरह के जोखिमों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। ये एक्सट्रीमली रिस्की है, बिकॉज इसके चलते आगे जाकर के ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी उनको कहे कि जो आपने पोजीशन लिया है वो इलीगल है। बहुत ऐसे लोकेशंस पे ये भी देखा गया है कि कुछ सालों बाद उसे डिमोलिशन का भी नोटिस आ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर सर्टिफाइड नहीं होता है, इंजीनियर ने उन्हें अप्रूव किया हुआ नहीं है, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोबेबली ऐसा होता है जो रहने लायक नहीं होता है। फिट आउट पोजीशन लेकर घर में रहना इलीगल है, स्ट्रक्चर सर्टिफाइड नहीं हो तो फिर उसे गिराने का नोटिस भी आ सकता है। हमेशा लीगल ही नहीं, तकनीकी तौर पर भी घर रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं होता। अगर आप इसी से मिले बिना ही किसी प्रोजेक्ट में घर बुक कराने जा रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ किस तरह की मुश्किलें आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। सीसी के बगैर रहना मतलब जान जोखिम में डालना है। फायर फाइटिंग, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की गारंटी भी नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट इस तरह के पोजीशन की मंजूरी तो देता है, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा काम है। लीगल एक्सपर्ट्स की राय में तो इस तरह के घर में रहकर या खरीद कर आप अपने अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो पोजीशन लीगली होता है वो आपको या तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही मिलना चाहिए कायदे से। अब कई बिल्डर्स फिट आउट पोजीशन कहके उसको पोजीशन आपको दे देते हैं और बिल्डर कई ज्यादा उपभोक्ता हैं या होम बायर्स हैं, उन्हें पता नहीं, वो जागरूक नहीं है इतने, और वो पोजीशन ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि आप इन बेसिस पे एक एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू आप वो पोजीशन ले सकते हैं जो कि फ्यूचर में आगे कन्वेंस डीड होगी। अगर किसी, अब देखिए इसमें ना रिस्क ही रिस्क है फॉर एनी होम बायर। घर का मालिकाना हक ही आपके पास नहीं है, घर को बेचने के लिए डेवलपर के भरोसे हैं आप, घर का बीमा नहीं मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो सीसी ना मिलने का मतलब है कि प्रोजेक्ट अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट और आप वहां रह रहे हैं और ना बिल्डर उसको देने के हकदार है, वो आपको पोजीशन नहीं दे सकता है, ये कानून है। और इसका एक अल्टरनेटिव के तौर पे कि अब जबकि ऐसी परिस्थिति है जहां सीसी नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है और अब एवरीथिंग इज रेडी, हाउ टू पास इट ऑन, तो इन परिस्थितियों में एक अल्टरनेटिव के भाई अभी सीसी में थोड़ा समय लग रहा है, हम इस बीच आप अपने मकान में जो आपने काम कराना है, फिट आउट करने हैं, जो अलमारियां लगानी हैं, ये बेड रखना है, वो सब आप कर लीजिए, रहने के लिए पोजीशन नहीं दिया जाता है। वो सीसी नहीं मिलने का मतलब है कि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ है।
इस तरह के प्रोजेक्ट में फ्लैट का परमिशन देने का लीगल हकदार बिल्डर है ही नहीं। काफी ग्राहकों को लगता है कि घर का परमिशन मिलना भर ही उनके निवेश का रिटर्न है। असल में आपने पैसा केवल घर के लिए नहीं दिया होता बल्कि प्रोजेक्ट में मिलने वाली सुविधाओं के लिए भी दिया होता है। बिल्डिंग कंप्लीट है, सेफ है, फायर हैजर्ड फायर एनओसी है उसके पास, एयर पॉल्यूशन एनओसी, बहुत सारी चीज़ें उन मापदंडों पे ये ओसी दी जाती है। अगर आप इस किसी घर में ऐसे रह रहे हैं जिसकी ओसी नहीं आई है, पहली बात तो अभी कन्वेंस डीड नहीं हुई है, तो आपका लीगल टाइटल आप पे नहीं आया है, आप एक एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू रह रहे हैं जो कि वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद क्या है आपको एक इंश्योरेंस जो हाउस इंश्योरेंसेस होते हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि आप टाइटल ओनर ही नहीं घर के। आप आगे बेचना चाहेंगे तो वो भी कैसे बेचेंगे आप, वो आपको फिर से बिल्डर के पास जाना पड़ेगा, उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। बट ये सब बातें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी जो है कि आप उस घर के ओनर ही नहीं है। बिल्डिंग को ओसी तभी मिलती है जब हर पैरामीटर पर आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाता है। घर के लिए नई सुविधाओं से भरपूर जिस प्रोजेक्ट में आपने निवेश किया था, जिसके लिए तमाम तरह के चार्ज चुकाए थे, वो बेकार जा रहा है। सीसी का मतलब है कि जिस तरह की सुविधाओं और वादे लेआउट के साथ घर लेने का दावा किया गया था और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्ट्रक्चर वगैरह अपनी जगह है या नहीं। अगर बिल्डर ने सीसी के लिए आवेदन किया है और वो नहीं मिल रहा है तो स्थिति और चिंताजनक है। घरों में रहने के बावजूद उसे तोड़ने के आदेश आ जाते हैं। एनजीटी के आदेश के बाद डेवलपर्स ने फिट आउट पोजीशन का रास्ता निकाला और काफी लोगों ने इसी पोजीशन समझकर घरों में रहना शुरू कर दिया। कई जगह फिट आउट पोजीशन लेने के बाद लोग रहने लग गए जो कि इलीगल है, कानूनी तौर पे वो सही नहीं, क्योंकि जब आप फिट आउट पोजीशन लेते हो आपके ना आपके नाम कोई कागज उसका तैयार होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो फिट आउट पोजीशन है ये एक आपको जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इस फिट आउट पोजीशन में आपको कोई अधिकार नहीं दिल रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर ये आप अपने रिस्क पे वहां पे एंटर कर रहे हैं। सो जैसे कोई भी अगर नुकसान होता है, इवन इंश्योरेंस की पेमेंट मुझे लगता है कि कुछ एक जगहों पे रोकी गई है कि आपका तो पोजीशन है ही नहीं, कि जब तक आपका सीसी तैयार नहीं है आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लीगली भी आप तभी उसके लिए हकदार हैं। फिट आउट का मतलब है आप अपने घर में जो काम कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं लेकिन वहाँ ठहर नहीं सकते, यानी अपने पैसों और अपनी जिंदगी को अगर आप जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट से दूरी बनाना ही फायदेमंद रहेगा। अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंस गए हैं तो फिर रेरा और कंज्यूमर कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। और हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, ये हर बार बताया जाता है और लोगों को कहा जाता है, आप भी कहते हैं कि ओसी बिना और सीसी के पोजीशन स्वीकारना, उसमें रहना जोखिम भरा हो सकता है, रिस्की हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्डर करते हैं और बायर्स ऐसा करते हैं, यूं कहें कि मजबूर हो जाते हैं, कितना रिस्की होता है ये? देखिए, पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कंप्लीशन और ऑक्युपेंसी में क्या फर्क है। कंप्लीशन का मतलब है बिल्डर ने जो नक्शे पास कराए थे अथॉरिटी से, उसके मुताबिक उसने उस स्ट्रक्चर को और बिल्डिंग को पूरा कर लिया और उसके बाद फिर जब उसको कंप्लीशन मिल जाता है तो अथॉरिटी में ऑक्युपेंसी के लिए अप्लाई करता है, उस वक्त उसे एनओसी चाहिए होते हैं, लिफ्ट डिपार्टमेंट का, फायर डिपार्टमेंट का और पॉल्यूशन का और जितने भी कंसर्न सीवरेज डिपार्टमेंट, वाटर ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब डिपार्टमेंट का एनओसी होता है कि जो उनके कानूनी जो उनके बायलॉज है उसके हिसाब से बिल्डिंग को बनाया गया। जब सब सर्टिफिकेट एनओसी मिल जाते हैं उसको कंसोलिडेट करके अथॉरिटी एक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट देता है, वो होती है लॉफुल ऑक्युपेंसी। बिल्डर का मुद्दा क्या होता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीशन ले लिया, अब वो ऑक्युपेंसी में आना कानी करता है क्योंकि बहुत सी अथॉरिटी में से काम अटके होते हैं, अधूरे करे होते हैं। कंप्लीशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्डिंग फिट फॉर लिविंग हो गई है। जब इस तरीके से वो उसके पास कंप्लीशन आ जाता है, उसके आड़ में वो अपने इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाता है कि आप कब्जा ले लो, मैं कब्जा दे देता हूँ, आप काम करा लो, आपको वुड वर्क कराना है, टाइल बनवाने, पेंट पॉलिश चेंज करना, उसको जो फिट उसके लिए जो फिटिंग्स लगाने के लिए देते हैं, दैट इज नॉट ए लॉफुल ऑक्युपेंसी और ना कानून से कोई प्रावधान है। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बिल्डर ने बना लिया, अपने फ्लैटों की गिनती कम करने के लिए हमने इतने फ्लैट हैंड ओवर कर दिए। इस तरीके के जो हमारे दर्शक फ्लैट को ले लेते हैं फिटमेंट्स के लिए, उसमें नुकसान क्या क्या है, वहां पे आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड अपना काम नहीं कर पाएगी, लिफ्ट फेल हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं,
पानी की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की, बिजली की प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई अथॉरिटी आपका साथ नहीं देगी। उसके से ज्यादा परेशानी बात है इंश्योरेंस नहीं होगी आपकी, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई सरकारी महकमा आपको किसी तरह की मदद नहीं करेगा। आप बिल्डर के बहकावे में आके फिटमेट के चक्कर में ना पड़े, वो आपको एक बार फिजिकल पोजीशन दे देगा, मुड़ के नहीं देखेगा आपके क्या क्या इन्वेंट्रीज में कमी है, क्या बिल्डिंग में कमी है। आपने अगर एक टावर में 10वें फ्लोर पर ले लिया, लिफ्ट नहीं चल रही है वहां पे, आग बुझाने का बंदोबस्त नहीं है, ऐसे फ्लैट की हफड़ा तफड़ी में आपने तो पूरे पैसे दिए, बिना पैसे के बिल्डर आपको फ्लैट नहीं देगा। जब आपने पूरे पैसे दे दिए तो ऐसा जो कानूनी तौर पे अनऑथराइज तो नहीं कहना चाहिए कि जो उसे ऑक्युपेंसी नहीं मिली, ऐसे फ्लैट को लेके अपनी जान को जोखिम में मत डाल ले। तो क्या ऐसा फिट आउट पोजीशन लेना चाहिए शरद जी, और क्या वाकई में इलीगली होता है, और किस लेना चाहिए तो किस लिए लेना चाहिए? देखिए, जब तक आपको बिल्डर, अगर इस बिल्डर ने पूरी कॉलोनी में 10 टावर बनाए हैं, पर्टिकुलर आपके टावर का जब तक उसके ऑक्युपेंसी नहीं आता, आप ऑक्युपेंसी के बहकावे में भी ना आए, क्या है अथॉरिटीज ने क्या शुरू कर दिया, आपको प्रोविजनल ऑक्युपेंसी, पार्ट ऑक्युपेंसी, आपने 10 में से 1 टावर का ऑक्युपेंसी ले लिया, 9 को उसकी आड़ में लोगों को बेवकूफ बना दिया। आपको लॉफुल अधिकार है, आप अथॉरिटी में जाइए, साहब हमें पोजिशन लेटर मिला है, आप इसमें बताइए कंप्लीशन ग्रांट हो गया, ऑक्युपेंसी मिल गई, इट इज फिट फॉर लिविंग और नॉट। जब तक अथॉरिटीज आपको सेटिस्फाइड नहीं करते, हो सकता है आप में इतनी जानकारी ना हो और बिल्डर आपका आपको बेवकूफ बनाता चला जाए। या तो किसी कंसल्टेंट की मदद लीजिए जो इस तरीके के टेक्निकल ऑडिट करके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे कि बिल्डर के नक्शे प्रॉपरली पास हुए, कंप्लीशन, कंपाउंडिंग और हर तरीके की उसने अलग अलग विभाग से अनुसूल ली हो। तो इसके लिए आपने जितना पैसा खर्चा उस पैसों को रिस्पेक्ट दीजिए और अपना जो होमवर्क है खाली एक ताला चाबी से मकान क्या होती है, मजबूरी होती है लोगों के सामने, वो क्या करें, तो वो फिट आउट पोजीशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि चलिए कम से कम रहने तो लगे हैं। ऐसे में किस बात की गारंटी होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिट आउट पोजीशन में किस बात की गारंटी होती है, क्या हम कर सकते हैं, और जो आपने रिस्क बताया वो बड़ा रिस्क तो होता ही है, तो फिर लोगों के सामने ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप अपने मनमाने तरीके से ऐसा पोजीशन ले लेते हैं जिसका ऑक्युपेंसी नहीं है, इसके जिम्मेवार आप खुद हैं और इसके लिए बिल्डर के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। लॉ में प्रोविजन है बिल्डर बिना ऑक्युपेंसी के दे नहीं सकता, उसकी कानूनी कार्रवाई अथॉरिटीज जाने। आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के होते हुए भी आप अगर अपने फ्लैट को बिना ऑक्युपेंसी के लेते हैं तो आपका ये कमजोरी है। इसके लिए आपको पेमेंट के तुरंत बाद, कंप्लीशन के तुरंत बाद बिल्डर को नेट पे डालना पड़ता है और उससे जब नेट पे आपको आ जाता है ऑक्युपेंसी नंबर, आप अथॉरिटी से जाके वेरीफाई करिए। आप खाली बिल्डर ने जो फोटो कॉपी दे दी है उसमें विश्वास मत करिए। आज इतनी धोखाधड़ी हो रही है, आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसी का एनओसी है, ऑक्युपेंसी है, या बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट का एनओसी है। बिल्डर इतने चतुर है कि आपको किसी न किसी तरीके से बहका के पोजीशन देके अपने बला टालना चाहते जी। शरद जी, होता क्या है ना कि कई बार बायर्स को पता ही नहीं होता है कि ये किस तरीके का पोजीशन है, ये बिल्डर बहला देते हैं। जब ये लीगली नहीं है फिट आउट पोजीशन इस तरीके से देना, जब आप क्लेम ही नहीं कर सकते हैं किसी चीज का, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगती है, फिर क्यों नहीं बिल्डरों को रोका जाता है? ये बिल्डर एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। भगवान से नहीं डरते, कोर्ट से नहीं डरते, अथॉरिटी से नहीं डरते, इनको भैया जब हम अपने पैसे की सुरक्षा हम नहीं करेंगे, बिल्डर को ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि वो बेईमानी करे। और कानून के सहारे कानून किस किस का ध्यान रखेगा? हमें भी अपने पैसे को जब लगाते हैं, पैसे के साथ साथ हमें अपने को 2-4-5-10 लोगों का ग्रुप बनाए, जब पोजीशन लेटर मिलते हैं अथॉरिटी में जाए और अथॉरिटी से राइटिंग में आपने राइटिंग, अथॉरिटी आपको पूरे तरह से सहयोग करेगी, सब चीजों में फोटो कॉपी प्रोवाइड करेगी। हो सकता है उसी वक्त ना दें, आपको 2 दिन बाद दे दें, आप अपनी समस्या लेके जाएंगे। आप में कमजोरी क्या है, आप अपने बिल्डर से तो को फॉलो करते हैं कि हमें पोजीशन दे दो, रजिस्ट्री करा दो, आप अपने डिपार्टमेंट में जाके अपना हक को नहीं जताते। कुल मिलाकर के एक बीच का रास्ता बिल्डर्स ने निकाला है, बिल्डर कम्युनिटी ने, लेकिन दरअसल ये रास्ता बड़ा खतरनाक है अगर आप इस तरीके का पोजीशन लेते हैं, अगर कोई भी आपके साथ हादसा, अपना डिपार्टमेंट में जाके अपना हक को नहीं जताते। कुल मिलाकर के एक बीच का रास्ता बिल्डर्स ने निकाला है, बिल्डर कम्युनिटी ने,
लेकिन दरअसल ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। अगर आप इस तरीके का पोजीशन लेते हैं, अगर कोई भी आपके साथ हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। इसे अवॉइड कर सकते हैं, जानकारी आप अथॉरिटी से ले सकते हैं, लेकिन जो बिल्डर लगातार बेवकूफ बनाते हैं उससे आपको बचना होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, शरद बंसल जी हमारे साथ लगातार बने, लौट रहे चलते। स्वागत है ब्रेक बाद आप सभी का। सालों से मंदी की मार से जूझ रहे रियल एस्टेट से मंदी के बादल धीरे धीरे छटने शुरू हो गए, लिहाजा अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए सही मौका है जब वो रियल एस्टेट में रेडी टू मूव घरों को कम कीमत में खरीद सकें। घरों की कीमतों में कमी की कई वजह हैं, लिहाजा इन पर गौर फरमाकर आप भी सस्ता घर पा सकते हैं। घरों की कीमतों में कमी, अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचने के लिए ऑफर, रेडी टू मूव घरों को खरीद रहे लोग। घर खरीदने की लंबे समय से दबी मांग अब सेल्स में बदल रही है, लिहाजा ये घर खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। होम लोन की कम ब्याज दरें और कम कीमतों के घरों पर सरकार के जोर देने से हाउसिंग सेक्टर पर पॉजिटिव असर हुआ है। एनसीआर में घरों की बिक्री धीरे धीरे बढ़ रही है और जहां मांग कम है वहां ग्रोथ में तेजी दिखाई दे रही है। हाउसिंग सेक्टर की तरफ सरकार के लगातार ध्यान देने की वजह से हाल ही के समय में फायदा पहुंचा है। जीएसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में कर्ज की अवधि बढ़ाने और 645 वर्ग फुट के कॉर्पोरेट एरिया पर इनकम टैक्स बेनिफिट से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में रिवाइवल के संकेत नजर आ रहे हैं, जिसके कई और भी कारण हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के मकसद से मकान खरीदे हुए थे, रेट बढ़ते ना देख वो उन मकानों को बेचने लगे हैं। रियल एस्टेट में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती देख डेवलपर्स एक से बढ़कर एक ऑफर पेश कर रहे हैं और फ्लैट के प्राइस में कटौती कर रहे हैं। सरकार के कई पॉलिसीज से रियल एस्टेट में बायर्स का विश्वास बढ़ा है, लिहाजा एक बेहतर ऑफर का फायदा उठाकर आप न सिर्फ पसंदीदा घर के लिए कीमतों में जमकर मोलभाव कर सकते हैं बल्कि अपने सपनों का आशियाना कम कीमत में पा सकते हैं। 2018 के पहले क्वार्टर में प्रॉपर्टी की सेल्स के लिहाज से देखें तो पहले क्वार्टर में पिछले साल के मुताबिक 33% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि नोएडा में 69% की बढ़ोतरी देखी गई। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 7 शहरों में हुए सर्वे में भी 2018 के पहले क्वार्टर में सेल्स में 12% की बढ़त बताई गई है। रियल एस्टेट में बढ़ती सेल्स इशारा कर रही है कि लंबे इंतजार के बाद होम बायर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं। साफ है कि हाउसिंग सेल्स में हुई तेजी की वजह से मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री धीरे धीरे कम हो रही है, यानी मार्केट में बने बनाए घरों की खरीदारी हो रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने हाउसिंग यूनिट्स को अब तक कीमतें बढ़ने के लिहाज से रोका हुआ था, उन्हें भी लगने लगा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें अब नहीं बढ़ने वाली, लिहाजा उन्होंने भी अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं। कुछ डेवलपर्स ने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस में करेक्शन भी किया है, यानी डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी के प्राइस कम किए हैं। बेशक वे सीधे तौर पर ये काम नहीं कर रहे बल्कि कई तरह की सर्विसेज और सुविधाओं में छूट देकर कीमतें कम की गई हैं, जैसे कि कई डेवलपर अब पार्किंग, क्लब, स्विमिंग पूल जैसी सर्विसेज की कीमतें नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि बायर्स कीमतों में मोलभाव करें तो रेट भी कम कर रहे हैं। लिहाजा आप अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे हैं तो ये सही मौका हो सकता है कि आप अपना घर कम कीमत में पा सके। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। शरद बंसल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, मौका अच्छा है, रेडी टू मूव कर लें, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनकी कीमतें हम कैसे कम कर सकें, कैसे बिल्डर से हम बातचीत करें। देखो जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चीज है जो दिखता है वही बिकता है। रेडी टू मूव जो फ्लैट्स हैं ऑप्शन है, आज अनसोल्ड इन्वेंट्री चैलेंज बना हुआ है एनसीआर के लिए। 2,75,000 फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस चीज को अब बिल्डर के भी थक गया है, पैसे को उसकी होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, इसलिए बिल्डर नए नए जुमले देकर लोगों को लालच देकर स्कीमों को बहकाकर उसको सस्ता कह के बेच रहा है, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट तो कम करना नहीं है। पहले जो रेरा बनने के बाद जो उसको मार पड़ी है कवर्ड एरिया सुपर एरिया की, आज तक वो सुपर एरिया में पैसा चार्ज करता है। तो ये लालच कैसे दे रहे हैं कम कीमत के कि पार्किंग का, क्लब, स्विमिंग पूल सर्विसेज की छूट, काजी वो स्कीमों के नाम पे इंटरव्यू वो आपको लालच देते हैं कि आप एक फ्लैट खरीदेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप देंगे फैमिली का, इतने तोले सोना देंगे, कार देंगे, एसी देंगे। तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं जब फ्लैट को देखने जाते हैं वो इस लालच में गिर जाते हैं और घर के मुखिया को कंपेल करते हैं, आज फॉरेन ट्रिप मिलेगा, मकान तो लेना ही है। इस तरीके बिल्डर ऐसी स्कीमें बनाते हैं कि अपना जो रुका हुआ माल है
जिसे अनसोल्ड इन्वेंट्री कहते हैं वो निकल जाए। उसको पैसे नहीं कम करना, थोड़े से लालच देके आपको एसी मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है या फर्नीचर मिल रहा है, ऐसे किस तरह के लालच से आपको घेर लेते हैं और उस वक्त आप उसके लालच में अपने को फंसा लेते हैं। जब बिना देखे सोचे समझे अगर आप ये देखेंगे कि बिल ऑक्यूपेंसी नहीं है, कम्प्लीशन नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई कमजोरी तो नहीं है, इसका टेक्निकल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, या इसके ऊपर बिल्डर ने जमीन के ऊपर विवाद तो नहीं रहा, आज जजमेंट उसकी क्या है, नक्शे पास हो गए, कंपाउंडिंग, ये बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब जो रेडी टू मूव में ये खतरा खत्म हो जाता है कि वो बनाएगा या कब बनाएगा या नहीं बनाएगा। जो आपको सामने मकान दिख रहे हैं उसमें 2.5-3 साल तो आपको बच गया, और आज बिल्डर क्योंकि रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट लौट कर आ रहे हैं, आज इन्वेस्टर उमंगित है लेने के लिए, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब जो रेडी टू मूव फ्लैट है उसमें पैसा लगाने को तैयार है, उनको उसमें कम रिस्क नजर आता है, बैंक भी लोन देने को तैयार है। इस स्थिति में जो फ्लैट आपको जिसका कंप्लीशन मिल गया हो, जिसका ऑक्यूपेंसी हो, उसमें आप कोई देरी ना करें और रेडी टू मूव फ्लैट में अपने इन्वेस्टमेंट कर दें जिसमें आपका रिस्क ना के बराबर है। बिल्कुल, यानी कि मौका अच्छा है से आप भुना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद बंसल जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमेशा ही आप घर खरीदने जाते हैं, पूरी कमाई लगाते हैं, सतर्क रहने की जरूरत होती है। नमस्कार।